हम हैं यह सुहागी घाट माँ। यह सुहागी घाट जब रीवा से इलाहाबाद जाए तब पड़त है और यह घाट 15 लोगन के जीवन के काल बन गया, उनकर जिंदगी काल के गाल में समाए गए। और यह सुहागी घाट की हुआ मोड़ आए, यह मोड़ 15 लोगन के जान ले लीस। कईक लोग अभी जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं और हम अपना का हुआ जगह दिखाऊँ जहाँ वह बस एट से ब्रेक मारिस। हम जो एक मोड़ के बात करी लगे वह मोड़ में ब्रेक मारे की कोशिश करा थी और यही थे एक थे पहले से दुर्घटनाग्रस्त जो है ट्रक खड़ा रहा जो उन्हें गिट्टी लोड रही वह गिट्टी वाले ट्रक में जाए कि वह बस घुस गए। अपना इस सड़क में पड़े एक एक सामान देख के अंदाज़ा लगाए की थे कि यह घटनाक्रम कितना जबरदस्त रहा हुई, कितनी तेज वह गाड़ी रही कि वह पिछले हिस्सा में जाए के बस घुस गए ट्रक के अंदर। यह अपना देखी लागे यह जगह जगह कांच के टुकड़ा चीख रहे हैं, चिल्लाए रहे हैं कि रफ्तार के कहर के चलते यह पूरा हादसा भा है। और यह हादसा लगातार हो रहा थे, कौनो पहल में हादसा ना हो, लेकिन जिम्मेदार घोड़ा बेच के सोए रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी खबर से, जहाँ यह अपना देख सकी थे जगह जगह बस के पार्ट पड़े हैं, जगह जगह ये में सीसा पड़ा है, कहो नट बोल्ट पड़ा है, कहो ये में हाल है। यह देखी यह ट्रक से गिट्टी निकाली गए, फेव के बाद बस का काटा गया, तब लोगन का निकाला जाए पावा, तब लाश निकली और जे जिंदा बचे रहे लोग वो निकल पाए हैं। यह बस के वह हिस्सा है जो उन्हें वहाँ नंबर प्लेट लगी है। यह नंबर प्लेट अपना देखी UP43AT5068 ये गाड़ी के नंबर है जो हैदराबाद से हैदराबाद से लखनऊ जा रही, उत्तर प्रदेश जा रही। और जगह जगह अपना कहे थे गाड़ी के सामान, चप्पल, ढक्कन, माचिस, देखी यह चप्पल देख सकी थे अपना, यह गिट्टी माँ जी भी देख सकी थे अपना, यह देखी ब्रश जी भी वाली जी भी देखी। जगह जगह अपना का लोगन के मतलब का हाल भा हुई अपना अंदाजा लगा इसकी थे। यह देखी लोगन के कपड़ा एठे पड़े लागे, या केहू के लगे इंची टेप रहा ओकर देखी हालत का भय ही। कुल मिला के यह गाड़ी चीख चीख के चिल्लाई, यह गाड़ी का पूरा जेसीबी से काटा गया है, अगले हिस्से बस के अगले हिस्से का काटा गया है, फिर लोगन का निकालब शुरू कीन गया है। और यह बस के सामान अपना का जगह जगह देखे को मिल गई। यह गिट्टी माँ 15 लोगन के वह खून है, वह मौत है। यह देखिए मैं लोक स्वामी कौनो अखबार है, यह खून से लथपथ है। और यह जगह माँ जेसीबी से इकट्ठा करके यह रोड का क्लियर करे खीतिर या ऐठे सामान फेंका गया है। देखी जगह जगह अपना का चप्पल जूता या गिट्टी माँ देखे का मिल जाई। और लोगन के यह मौत के बीभत्स मंजर देखे के बाद न सरकार की नींद खुलती आए, ना प्रशासन की नींद खुले, ना केहू की नींद खुले। आए दिन ये में हादसा होते, लेकिन ये हादसन के आखिर जवाबदार को है का सरकारी लोग जिम्मेदारी ले ही कि न ले ही, सबसे बड़ा सवाल यह है। हमारे साथ यह सड़क में आए दिन जो है चले वाले लोग हैं जिनसे हम का नाम है अपना का नाम मुकेश सुनकर कहाँ के हैं हम तो झांसी जिले के यह रोड में चला रही थे अपना नहीं बहुत कम आते कह भी यही थे एक महीना में महीने साल में कभी एक दो चक्कर लगाते हैं बस तो अपना का यह गिट्टी ले आई थे नहीं माल देते हैं ना हम लोग ब्रश का काम करते हैं ब्रश मोटरसाइकिल से ही थे मोटरसाइकिल से चलिए तो कुल मिला के यहाँ यह हादसा की जानकर देख के रुक आए गए हाँ देख के रुक गए चलिए तो कुल मिला के जो हाल है वह पूरी तरह से बेहाल है और जो में यह बस की हालत भय ही वह बस के हालत चीख चीख के चिल्लाए चिल्लाए के कह रही है। यह देखिए ट्रक में गिट्टी लोड रही, गिट्टी हटाई गए, फिर ट्रक से जो है बस का अलग कीन गा, जेसीबी से होके अगले हिस्से का काटा गा, तब जाए के कहाँ लोगन के लाश निकल पाई, जे ओम अंदर लोग फंसे रहे वो निकल पाए। कुछ लोग जद्दोजहद करिन खिड़की से निकले के, लेकिन एक बात और बताई या बस के इमरजेंसी गेट आए, हम अंदरों से अपना का दिखाए हैं कि यह बस के गेट खुले नहीं, यह बस के गेट ऐसे बंद रहा, एकर उपयोग ही नहीं भाई, ये खुलबा ही नहीं भा। आखिर जिम्मेदार कब
या वातन के जिम्मेदारी ले ही। यह देखिए एक गेट आऊ इमरजेंसी एठे लगा है मगर यह गेट खुला नहीं, लोग प्रयास करें मगर यह गेट खुला नहीं। यह देखिए, यह देख सकी थे अपना, यह गेट से को निकल नहीं पावा। जे निकलाई के प्रयास करी तो उस ईसा फोड़ के या अन्यत्र जगहन से निकले के प्रयास करी सी। ये देखिए या बस के हाल अपना का देख सकी थे, चली और जो में हाल रहा हुई वो पूरी तरह से बेहाल है। और अपना देख सकी थे एक एक चीज, ये बस के हाल देख ली, बस के मतलब चारों तरफ सिर्फ रही तो चीख पुकार, लोग सिर्फ चीख पुकार करते रह गए। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, दुई पहिया से यदि सड़कन में चली थे तो हेलमेट लगाई, रफ्तार उतनी रखी जितनी अपना कंट्रोल कह सकी, जेका अपना नियंत्रित कह सकी। और सबसे बड़ी बात यह, यदि चार पहिया से चल रहे हैं तब रफ्तार बेहद नियंत्रित चली, नहीं तो सड़क मौत के अड्डा बन चुकी है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।